नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, जिसमें एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव दिया गया ग्रेस मार्क जिन छात्रों को दिए गए हैं उनका रीटेस्ट कराया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया गया है। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए उनके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को कराई जाए। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। एनटीए ने कहा है कि रीटेस्ट का रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था, तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि जिनको ग्रेस मार्क्स अवॉर्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23rd ऑफ जून को और इनका रिजल्ट 30th ऑफ जून को डिक्लेयर किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्जाम देने का, प्रोबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेस मार्क्स जिन छात्रों को मिला था नीट की परीक्षा में उनके पास विकल्प होगा। 23 जून तारीख तय की गई है नीट के लिए रीटेस्ट की, और ऐसे में अब ये रिजल्ट आने के बाद ही नए सिरे से रैंकिंग वाली लिस्ट बनेगी। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे। परीक्षा रद्द करने के लिए छात्र सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया कि 6 सेंटर पर परीक्षा देने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के सामने फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा। इसके साथ ही 30 जून को रीटेस्ट का रिजल्ट आने के बाद नई रैंकिंग जारी की जाएगी। नई रैंकिंग जारी होने के बाद काउंसलिंग होगी। नीट की काउंसलिंग अब 6 जुलाई को होगी, 4 जून के रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग नहीं होगी। इसी बीच शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार छात्रों के साथ है, परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूँगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। और देखिए, नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे छात्र अब भी पूरी की पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ सीबीआई जांच हो ये भी छात्रों की मांग है। नीट परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले छात्र अब परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द करके नए सिरे से परीक्षा कराई जाए। अगर सिर्फ ग्रेस मार्क्स से ही इतना रैंक बढ़ जाती तो 1563 और 200 और 2000 तक बढ़नी चाहिए रैंक। ये रैंक 20 से 25000 तक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है। प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन भी नहीं मिल रही है। जो मेन इशू है वो पेपर लीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। छात्रों का आरोप है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। छात्रों का आरोप ये भी है कि गुजरात बिहार जैसे राज्यों में पेपर लीक हुआ था। छात्रों ने पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अब 8 जुलाई को हियरिंग है तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है, और डेट पे डेट मिलेगी तब तक तो काउंसलिंग हो जाएगी, या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए। एनटीए बार बार कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है, और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट पर दिल्ली सरकार की जो याचिका है उसका निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है सभी पक्ष मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएं। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जल बंटवारे का फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से अतिरिक्त पानी के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड में आवेदन देने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड दिल्ली सरकार के आवेदन पर जल्द फैसला ले। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि हरियाणा से पानी की सप्लाई नहीं बढ़ी तो हालात बिगड़ जाएंगे। हिमाचल का पानी जो हथनी कुंड में आ रहा है वो दिल्ली वालों को नहीं मिलेगा। अभी तक एक बूंद भी हिमाचल का पानी दिल्ली वालों को नहीं मिला है, और हम तो सुप्रीम कोर्ट यही आग्रह लेके गए हैं कि देखिए, हम सिर्फ 15 दिन के लिए एक्स्ट्रा पानी मांग रहे हैं। इस हीट वेव में अगर पानी, जब पानी हमें ज़्यादा चाहिए, अगर तब पानी का प्रोडक्शन गिर जाएगा तो दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे? दिल्ली में दंगे हो जाएंगे पानी के लिए। एक आखिरी सवाल, टैंकर
देखिए, बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली में जो पानी की किल्लत है वो लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और कई इलाकों में टैंकर के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए हंगामा हो रहा है। चाणक्यपुरी इलाके में पानी के टैंकर के इंतजार में आज भी बर्तनों और डिब्बों के साथ लोगों की लंबी लंबी लाइनें नजर आई और फिर टैंकर के आते ही जल्द से जल्द पानी लेने के लिए दौड़ लगाते लोग नजर आए। सिर्फ चाणक्यपुरी ही नहीं, दिल्ली के कई दूसरे इलाकों में भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इन इलाकों में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है। राजधानी दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सरकार के बीच तनातनी चल रही है। हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है। लोग किस तरह से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं इसकी हम आपको तस्वीर ये दिखाएंगे। साकेत मेट्रो के ठीक नजदीक ये दिल्ली जल बोर्ड का एक टैंकर आया है और जिससे सहारे तमाम जो लोग हैं वो कई सारे डिब्बे भर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वो कुछ इसी तरह से दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर का इंतजार करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू ने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले ली है। तीसरा मौका जब पेमा खांडू अरुणाचल के मुख्यमंत्री बने हैं। ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में पेमा खांडू ने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। पेमा खांडू 2016 से ही अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। कांग्रेस में रहते हुए पेमा खांडू ने नबाम तुकी के इस्तीफे के बाद पहली बार 17 जुलाई 2016 को अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने थे। सितंबर 2016 में पेमा खांडू कांग्रेस छोड़ पीपीए में शामिल हो गए थे। दिसंबर 2016 में वो पीपीए छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। मई 2019 में पेमा खांडू बीजेपी से दूसरी बार सीएम बने थे। सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश की सभी जनताओं को, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अरुणाचल का विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। 60 सीटों वाली अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 46 विधायक है। सीएम पेमा खांडू समेत बीजेपी के 10 विधायक निर्विरोध चुनाव जीते थे। बीजेपी के सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी के 5 विधायक है, वही कांग्रेस का सिर्फ 1 विधायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम इटली के लिए रवाना होंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। पीएम मोदी आज शाम करीब 5 बजे इटली के लिए रवाना होंगे। पीएम इटली में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G7 शिखर सम्मेलन आज से 15 जून तक चलेगा। G7 बैठक इटली के फसानो शहर में हो रही है। इस बैठक में शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दक्षिण अफ्रीका की समस्या जैसे मुद्दे भी प्रमुख होंगे। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के हालात पर मंथन होगा। G7 की बैठक में शामिल होने के साथ ही पीएम मोदी कई दूसरे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय टीम भी इटली जा रही है। इस टीम में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हैं। देखिए, रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से चुनाव जीतने के बाद अब राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार वो किस सीट को छोड़ेंगे, किस सीट को चुनेंगे। और इसी को लेकर राहुल गांधी का एक बयान जो इस वक्त खूब चर्चा में। चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी वायनाड में वोटर्स का आभार जताने पहुंचे थे। राहुल के स्वागत में भारी भीड़ उमड़ी थी। भारी भीड़ के बीच लोगों से पूछा कि मैं किस सीट से इस्तीफा दूं। लोगों का जवाब सुनने के बाद राहुल ने कहा कि वो ऐसा फैसला लेंगे जिससे सभी खुश होंगे। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? I will commit to you. Is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision? चर्चा है कि राहुल जो सीट छोड़ेंगे उससे प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। पूरे इंडिया अलायंस का उनके साथ समर्थन रहेगा, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या चाहे कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जिनको खड़गे जी और राहुल जी और सोनिया जी निर्णय लेकर डिसाइड करें। देखिए, इस बार वो लकीली 2 सीट से जीत गए थे। पिछली बार तो 1 में हार गए थे, एक बार और 1 में जीते थे। वायनाड से जीते थे, रायबरेली से हार गए थे, तो इस बार जीते हैं दोनों से, तो बड़े बड़े बातें ढींगे हाकेंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार का मामला बीजेपी में आपसी कलह से होता हुआ अब कोर्ट तक पहुंच चुका है।
संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच जुबानी जंग में अब कानूनी एंगल भी जुड़ गया है। गुरुग्राम के रहने वाले संजीव सहरावत ने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। संजीव सहरावत का आरोप है कि संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी बांटी गई थी। इस चिट्ठी में संजीव सहरावत और संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप लगाया गया था कि संजीव बालियान ने ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी। आरोप लगाया गया था कि जमीन की डील संजीव सहरावत के जरिए हुई थी। संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवाई है, और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस जमीन में की खरीद में गवाह भी हूँ। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है। हालांकि संगीत सोम ने उनके नाम से जारी चिट्ठी को फर्जी बताया। संगीत सोम का आरोप है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। संगीत सोम का कहना है कि उनके लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है। संगीत सोम ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और देखिए, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हार के बाद जो महायुति है वहां पर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं 400 पार वाला बयान ये महायुति को भारी पड़ गया। लोकसभा सीट के हिसाब से देश के दूसरे बड़े सूबे महाराष्ट्र में एनडीए को नुकसान हुआ है। सूबे की कुल 48 सीटों में से एनडीए को 17 सीट पर जीत मिली, वहीं इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। चुनावी नतीजों के बाद सूबे में एनडीए की हार पर तकरार हो रही है। सीएम शिंदे ने कहा है कि 400 पार के नारे के कारण महाराष्ट्र में एनडीए की हार हुई है। ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। सीएम शिंदे के इस बयान के बाद अब विपक्षी गठबंधन अटैकिंग मूड में है। विपक्षी गठबंधन का कहना है कि शिंदे ये बात बीजेपी आला कमान को बताए। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का, शिंदे और अजीत पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। What was the reason for saying 400 part and therefore saying that we have interpreted it wrong is not fair unless they explain to us why they said 400 power when nobody would have imagined that they could get 400 seats. जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया है, और वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं जम्मू में और राजौरी में आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद हाई अलर्ट सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 24 घंटे में दूसरी बार डोडा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने डोडा के गंदोह इलाके में फायरिंग की। गंदोह के कोटा टॉप में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। फरार आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घेरेबंदी को मजबूत करने के लिए डोडा में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। 4 दिनों में जम्मू संभाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 4 एनकाउंटर हुए हैं। इसी बीच डोडा में सक्रिय 4 आतंकियों का स्केच जारी किया गया है। ये आतंकी डोडा और आसपास के इलाके में सक्रिय हैं। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद जम्मू और राजौरी में अगले 48 घंटे हाई अलर्ट है। दोनों जिलों में बड़े आतंकी हमले की साजिश है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी फिदायीन हमले को अंजाम दे सकते हैं। एजेंसियों के इनपुट के बाद जम्मू और राजौरी जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, वो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ के बाद रास्ता भटक गए थे, लेकिन इससे पहले वो यहां से निकल पाते दोनों आतंकियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाया गया। कठुआ टेरर अटैक में पाकिस्तानी साजिश के सबूत मिले हैं। सुरक्षा बलों ने जिन 2 आतंकवादियों का इनकाउंटर किया था उनके पास से हथियार बरामद हुए, पाकिस्तानी दवाएं बरामद हुई हैं, ड्राई फ्रूट्स बरामद हुए हैं। जम्मू के कठुआ के हीरानगर में 16 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, कैश बरामद हुआ। आतंकियों के पास से एक M4 कार्बाइन और स्टील बुलेट्स मिली हैं। इन खतरनाक हथियारों के साथ ही आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी दवाइयां, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स भी मिले हैं। पाकिस्तान में बनी दवाइयां, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन दोनों आतंकियों ने हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर
जम्मू कश्मीर में कदम रखा था और वो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए सीधा कठुआ के हीरानगर पहुंचे थे। बताया ये जा रहा है कि इन दोनों आतंकियों ने एक नाले के जरिए सीमा में घुसपैठ की और हीरानगर तक पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि यहां पर वो कई लोगों से उन्होंने रास्ता भी पूछा था ताकि वो यहाँ से निकल पाए, लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकल पाते यहाँ के निवासियों की सूझबूझ के चलते इन दोनों आतंकियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाया गया। आप जानते हैं कुवैत अग्निकांड के बाद भारत सरकार जो है एक्शन में है। जो विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्ति वर्धन सिंह वो कुवैत पहुंच चुके हैं और कुवैत पहुंचते साथ ही सबसे पहले उन्होंने अस्पताल का रुख किया और अस्पताल जाकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत अग्निकांड पर एक्शन में भारत सरकार, कुवैत पर भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह पहुंचे, सबसे पहले अस्पताल गए और अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी आ गई हैं कुवैत के अस्पताल में। विदेश राज्य मंत्री को देख रहे हैं आप, कीर्ति वर्धन सिंह अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात करते हुए, 6 घायलों से मुलाकात की है कीर्ति वर्धन सिंह ने। इस हादसे में 42 भारतीय नागरिक जिनकी मौत हो गई। तो भारत सरकार की इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर उपचार हो और साथ ही जिन भारतीय नागरिकों की जान चली गई है उनके पार्थिव शरीर जल्द से जल्द देश लाए जा सके, तो इसी को फैसिलिटेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस हादसे के बाद खुद पूरा अपडेट ले रहे हैं, उन्होंने विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को कुवैत भेजा है और इस समय कुवैत में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को आप देख रहे हैं।